नमस्कार, इंडी टाइम में आपका स्वागत है। वीकी न्यूज़ कानपुर। पेगियों के खनीपा के नेतृत्व में पेगियों का निशान बापू पुरवा आया। वहीं हमारे चैनल के माध्यम से निशान और पेगियों के बारे में हमारे संवाददाता हरुण जाफर ने इससे रूबरू होकर बताया। कैमरामैन जुबैर आलम के साथ कानपुर से। आज जिस तरह से कानपुर शहर के अंदर ये जो जुलूस निकल रहा है, ये काबिले तारीफ जुलूस है। ये बता रहा है कि इमाम अली मकाम के शहीद होने पे लाखों लोगों ने कानपुर से जुलूस निकाला। उनकी शहादत को सलाम कहते हुए ये जुलूस की अगुवाई कर रहे लाखों लोगों ने इस बात का पैगाम दिया है कि सब्र और सब्र से काम लेना ही हुसैन इब्ने अली हैदर का काम था। इससे आप लोग देश में अमन चैन बना के रखें। हमारा नाम ये जुलूस रानी बिरादरी का जुलूस जो मोहम्मद इकबाल, पप्पू, मंडू, आरती, मोहम्मद फारूक, ये सभी की सदारत में जुलूस उठता है मुहर्रम का इमाम हुसैन अली मकाम की याद में, जो अपनी पुरानी कदीमी शान और शौकत के साथ इस बार भी पासमंडी से गुजर रहा है। और जुलूस में हजारों अकीदतमंद शामिल है और अपना सबका खराश अकीदत पेश करते हैं इमाम हुसैन की बारगाह में। ये जुलूस से पैगाम देना चाहते हैं करबला का जो पैगाम है कि बुराई के खिलाफ खड़े होना और कभी भी गलत का साथ न देना, यही मैसेज इमाम अली मकाम का। आपसी मोहब्बत, भाईचारा कायम करना, बुराई के खिलाफ खड़े होना, कौम को यही पैगाम देना चाहते हैं। करबला से जो पैगाम मिला है कि बुराई के खिलाफ झूठ, मकारी, आपसी लड़ाई, इन सब से हमें बचना है। और जो एकता का पैगाम हमें इमाम अली मकाम ने आज से 1400 साल पहले करबला से दिया है, उसी को आम करना है। आपसी भाईचारे को, जो हिंदुस्तान की तहजीब है, उसको बना के रखना है हमें, यही पैगाम है। नारे हैदरी, या अली, नारे